सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जी जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब। उसके बाद आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो जी आपका भाई आया हुआ है जी अपने रेंट वाले घर पे। चेक करें जी छत का माहौल। हमारी मुर्गियां शुरू हैं यार, अंडे नहीं दे रही हैं। चेक करें बस इनका ना वो गंद पड़ा हुआ है सारा। तो अभी आपके भाई ना जी नाश्ता वगैरह करना है। बस मैंने मुँह धोया, मेरे अगर बाल बिखरे हुए हैं तो यार चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि मैं भी फ्रेश नहीं हुआ, बस सिर्फ मुँह धोया है मुँह फ्रेश किया। तो बाकी जी अभी चलते हैं कोई नाश्ता करते हैं। तो जी कॉल करते हैं फिर उनको अपने उस्ताद को, गाड़ी वाले उस्ताद को जो हमें ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो उनको कॉल करेंगे कि भाई आप फ्री हैं या नहीं। अगर वो फ्री हुए तो इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे, अदरवाइज़ देखते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं जा करता हूँ जी नाश्ता, और आपको काम भी चेक करना यार कि हमारा कौन सा कल काम डन हो चुका था। हाँ तो जी आपका भाई पहुँच चुका है घर और हमारे मजदूर आ चुके हैं जी। काम शाम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको ना जी कल वाला काम दिखा दूँ कि भाई हमारा कल वाला कौन सा काम डन हुआ है। तो जी चेक करें, ये वाली दीवार डन हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो ये वाली दीवार डन हो चुकी है, उसके साथ ये वाली दीवारें भी क्लियर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आज बस थोड़ा सा काम है एंड उसके बाद कल उम्मीद है कल तो ये छुट्टी करेंगे। कल जी आएगी शटरिंग और फिर शटरिंग लगेगी क्योंकि ना वहाँ पे लगेगा नहीं शेड, तो शेड के लिए जी शटरिंग मस्त है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना जी तकरीबन 3-4 नेक्स्ट वीक तक जी ये छत पे काम स्टार्ट कर दें। भाई जान छत का काम कब तक स्टार्ट होगा वैसे, कोई आइडिया है? छत का काम मतलब कब तक स्टार्ट होगा? छत 3-4 दिन तक। तीन मतलब हफ्ते वाले दिन तकरीबन। तो इनको तकरीबन 1-2 दिन तो शटरिंग की सेटिंग करने में लगेगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो सामान वगैरह डाल देना कि मिट्टी हो गई और बहुत सारा काम होता है। तो बाकी जी ये भाई काम शाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह शाम को मैं आपको दिखाऊंगा हमारा काफ़ी ज़्यादा काम भी क्लियर हो चुका होगा। तो जी वेलकम बैक हो गया जी व्लॉग में। तो अभी कोई टाइम हो रहा है जी कोई 1:15 बजे का, और जी आज आपका भाई ना जी वो नहीं गया, वो जो हम ड्राइविंग सीख रहे थे तो एक्चुअली वो भी इस वजह से नहीं गया, बाकी जी गाड़ी था तो उसी के साथ हमारा काम शाम लगा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं हम लोगों ने ये चीज़ ये बना लिया, एक कॉलम बनाया उसके साथ में जी, ये एक नीचे ना फुटिंग बनाई है, इधर एक हमारा कॉलम आना है तो उसके लिए। तो आज इंशाल्लाह ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो जितनी भी अंदर की दीवारें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो बाहर वाली जी दीवारें हैं ना आप चेक कर सकते हैं उधर से वो इतने तक। तो जहाँ पे ना जी हमारा आएगा शेड, तो इस वजह से शेड है जी इसके ना सिलेंडर के ऊपर ना, तो इस वजह से भाई तकरीबन छत जो शेड होते हैं ना वो छत से निकलते हैं, लेकिन हमारे वाले का अलग सीन है ये आ रहा है जी दीवार से। तो इस वजह से ना जी ये थोड़े मतलब कि ना लेट हो रहे हैं और ये वाली जो दीवार है लोगों ने स्केप कर रही हैं फिलहाल। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये जो काम है ना शेड वाला, तो तकरीबन कल या परसों तक ना हमारी वो आ जाएगी जो लगती है यार भाईजान हेलो यार उसको क्या बोलते हैं जो लगते हैं इधर ना इसके ऊपर जिसके ऊपर कंक्रीट आती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ नहीं नहीं वो यार जो लकड़ी का सामान आपका आएगा वो क्या है? हाँ शटरिंग। हाँ तो जी शटरिंग तो आएगी, शटरिंग इसके ऊपर ना शटरिंग लगेगी, इधर भी शटरिंग लगेगी, इधर भी भाई सारी अंदर लकड़ियाँ होंगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा।
और भाई आपके भाई को ना अभी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो चलते हैं जी घर और खाना छाना खाते हैं, फिर आपको जी मिलते हैं, जो कुछ न्यू सीन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अरे जी मिस्त्री साहब भी खाना छाना खा के आज आ रहे हैं, और इनके जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं, वो सॉरी ऑलरेडी पहुँच चुके थे। हाँ नमाज भी पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? अच्छा इन्होंने नहीं पढ़ी, सुबह जी नमाज नमाज पढ़ी है, माशाल्लाह अच्छी बात है। हाँ तो जी आपका भाई और अबू जान रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हम जी दाऊद खैर, क्योंकि हम लोगों ने जी खाना नहीं खाया, हम लोगों ने जाना था दरअसल ना जी बगीचा मैदान में हमारा काम था, लेकिन हम नहीं जा सके, घर वालों को हमने बोला था कि हमारा खाना आप ना पर इस वजह से ना, अभी मैं और अबू फिर से जा रहे हैं जी दाऊद चल खाना खाने, और हमारे मिस्त्री की थोड़ी तबीयत आसाद है तो उसके लिए तो मैं जा जी हमारी बिरयानी आ चुकी है जी, हमारा मूड बन चुका था जी बिरयानी पे, अगर आना है तो आएँगे। तो जी हम पहुँच गए अभी मैकेनिकल वाली शॉप पे, मोटरसाइकिल के जो मैकेनिक हैं तो हमारी ना जी जो टैंक थी वो बिल्कुल ना जी ख़राब हो गई थी, तो ना वो मतलब कि हिलती थी, तो इस वजह से ना अभी सेटिंग करा रहे हैं इसकी। हाँ तो जी हम लोग घर वापस आ चुके थे और उसी के साथ ना जब भी टाइम हो रहा है 4:15 का, तो हमारे इलाके में एक ना छोटी सी वेडिंग थी, तो वहाँ जा रहे हैं अब अपने भाई के हालात चेक करेंगे, भाई आपके भाई ने क्या हालत बनाई हुई है, काम शाम लगा हुआ है तो इस वजह से ना, तो बाकी जा रहे हैं जिसकी हालत में देखते हैं ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि मैं इधर काम के साथ लगा हुआ था, लाख लगा हुआ है जी इसको। हाय 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 ये हो गया जी, ओके हो गया, तो अभी हम चलते हैं जी। हाँ तो जी हम पहुँच चुके हैं जी हरे वाली जगह पे, भाई खैर यार भाई हमसे पहले पहुंच चुके थे, चेक करें जी भाई यहाँ थोड़ा बहुत डांस हो जाए यार, हेलो उनको पता है, उनको पता है भाई हमारा रिश्तेदार है, ये पता है उनको ना, ये पता है ये अपनी पहचान का है वो हमारा रिश्तेदार। अच्छा ये उनके रिश्तेदार है जी, आपका भाई ना जी काफी लेट हो चुका था, जब आया था तो फंक्शन भी एंड हो चुका था, तो बहरहाल नाइट अगर शुरू होगा तो आपको नाइट में शुरू दिखाएंगे, तो अभी हम हाँ तो जी वेलकम बैक हो गया जी व्लॉग में, तो जी अभी कोई टाइम हो रहा है 7:00 का, और जी काफ़ी तेज़ आंधी आ चुकी है बाहर, आप चेक कर सकते हैं जी ये आपको धूल मिट्टी दिखाई दे रही होगी। हाय 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 अभी हमारे दरख्त वगैरह तो सब कट चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो आवाज़ थोड़ी बहुत शायद आप लोगों को आएगी, वो सामने दरख्त ये सब जो डस्ट है ना यही दिखाई दे रही है, ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट है बाहर, और शायद आवाज़ से भी आपको ना अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी तेज़ आंधी आ रही है। बाकी जी देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती, और जिनकी आज शादी है वेडिंग है तो उनका शुगर होगा जो नहीं होगा, किधर जाओगे भाई साहब बाहर? नहीं बाहर आंधी आई हुई है नहीं। हाँ तो जी आपका भाई ना जी थका हारा पहुँच चुका है बिस्तर पे, और उसके साथ ना जी
अब चेक कर सकते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है और ना लाइट साहब आँखें भी सही से नहीं ओपन हो रही। तो जी आज की वीडियो भी इधर एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।